पर पश्चिमी देशों की बड़ी आर्थिक चोट यहां पर करने की कोशिश। विमान कंपनी बोइंग ने रूस से नाता तोड़ लिया है। आप समझ सकते हैं, बोइंग एक ऐसा विमान जिसे सबसे बड़ी संख्या में अलग अलग देशों की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है और बोइंग का रूस से नाता तोड़ना अपने आप में काफी अहमियत रखता है। विशंबर जी, रूस से बोइंग का नाता तोड़ना क्या मायने, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला है ये बोइंग का। बिल्कुल, देखिए बोइंग का, फोर्ड का, इंटरनेशनल कंपनीज का वहां से निकलना रशिया से, लॉन्ग टर्म में रशियन इकोनॉमी पे रशिया का जो मॉडर्न रशिया जैसे बनता जा रहा है, मॉडर्न रशिया का जन्म भी इन जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं इनके साथ ही तो हुआ है। जो एप्पल ने भी रूस में कारोबार बंद करने का फैसला किया है, इसका असर पड़ेगा बिल्कुल मैं मानता हूँ। देखिए लड़ाई के तीन भाग हैं। पहला भाग है यूक्रेन को किसी तरह जो पहला ऑब्जेक्टिव अटेन करें, मतलब पहला ऑब्जेक्टिव ले, और पहला ऑब्जेक्टिव है सत्ता बदलना, नाटो में नहीं जाना और ये जो न्यू नाजीज है इनको डिसार्म करना, तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव जब यूक्रेन को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और रशिया ये मार झेलेगा इकोनॉमिक उसकी, तो उससे कैसे उभरना रशिया के लिए, और तीसरा है रशिया का वापस कैसे वेस्ट और अमेरिका से रिलेशंस बढ़ाएगा। तो ये तीन बड़े भाग हैं और मैं समझता हूँ इसमें कहीं ना कहीं ये सब सोचा होगा किस टाइम फ्रेम में हम यूक्रेन को। तो ये प्रोज एंड कॉन्स तो जज कर लिए होंगे ना रूस ने। बिल्कुल, रूस ने किए हैं ये तो पहले से अपेक्षित होगा कि ऐसे ही कुछ होने वाला है उनके साथ। ये उन्होंने कल भी बोला है, अपने टीवी पे बोला है कि ये सब होगा और हम इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं और हम इसको ओवरकम कर लेंगे, हमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसका दुनिया पे भी असर पड़ेगा। देखिए आप अपने दर्शकों को बताइए कि इस लड़ाई, अगर ये लड़ाई चलती है तो हमारे यहाँ भी तो असर पड़ेगा। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है हमें 1,00,000 करोड़ का नुकसान तक हो सकता है, क्योंकि तेल के दाम बढ़ेंगे। जब तेल के दाम बढ़ेंगे तो ईंधन जब कॉस्टली होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली होगा, फूड कॉस्टली होगा, हर चीज कॉस्टली होगी। तो ये अपने आप में एक एक दिन की बात नहीं है, इस युद्ध के काफी दिन तक परिणाम आएंगे, इस युद्ध का असर बहुत दिन तक पड़ेगा।